संबंधित नहीं थे। कॉमरेड दौलत के पिता स्वयं लालिमली में कारीगर थे, उनके घर वाले, उनके परिवार के लोग साधारण रूप से मेहनत करने वाले लोग थे। और ये सबसे बड़ी बात है कि जब वो वामपंथी आंदोलन के संपर्क में आए तो वो उनका कद इतना धीरे धीरे ऊंचा उठ गया कि आज हम यहां पर बैठे हुए जब वो हमारे बीच में नहीं है, बहुत से लोग आते हैं, बड़े बड़े धनवान हो जाते हैं, पर उनको कोई याद करने वाला नहीं होता। और वो मजदूरों के आंदोलन के प्रति इतनी वफादारी थी, मैं कहता हूं कभी कभी उनकी इतनी रिजिडिटी हो जाती थी, इसलिए नहीं कि किसी समझौते को करना नहीं चाहते। रिजिडिटी ये कि मजदूरों के लिए अगर कोई समझौता होना है तो वो फाइनली ऐसा होना चाहिए कि जो समझौते में किसी प्रकार की कमी न रह पाए, कोई कहने वाला न कहे कि आपने ये काम तो नहीं किया, ये काम छोड़ दिया, उससे वो रिजिड हो जाते थे। और कभी कभी उस रिजिडिटी की वजह से जो मोर्चा बना हुआ है उसमें एक गर्मा गर्मी हो जाती थी। पर धीरे 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 वो जैसे जैसे लीडर इवॉल्व होता जाता है वैसे वैसे लीडरशिप की क्वालिटी भी इवॉल्व होती जाती है, ऐसा हमारे जीवन का तजुर्बा है। कानपुर में एक बहुत शानदार काम वो कर रहे थे और 27 को ही मुझको ये पता लगा, कॉमरेड अरविंद ने कानपुर के जो दूसरे एक महत्वपूर्ण नेता है कॉमरेड अरविंद कुमार, उन्होंने मुझे बताया जब मैंने देखा कि दौलत नहीं है, मेरी सवेरे बात हुई है 2 दिन पहले दौलत से, तो पता लगा दौलत नहीं है। मैंने कहा कॉमरेड दौलत कहाँ है, तो कॉमरेड अरविंद ने धीरे से मेरे कान में कहा कि वो बहुत सख्त बीमार है, अभी आप किसी से जिक्र नहीं करिएगा। मैंने कहा हुआ क्या, उन्होंने कहा कि उनको सस्पेक्टेड है लिवर कैंसर और अभी उनको सिर्फ हमने का पीलिया का रोग बताया है। तो मैं भी एकदम से अचकचा गया। और अगले दिन जब मैं गया, आप उस शख्स की स्पिरिट देखिए, बातचीत होने लगी इलेक्शन की 2014 की कि भाई क्या होना चाहिए। तो दौलत का विचार था कि भाई ऐसा करते हैं कि हमारा जो मजदूर मोर्चा, मैंने कहा भाई मजदूर मोर्चा तो तुम्हारी पैदाइश है कानपुर में, तुम्ही ने बनाया है मजदूर मोर्चा, सबको बैठाकर सबको मिलाकर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो, अनऑर्गेनाइज हो, उसका मोर्चा आपने बनाया कि भाई हमको मजदूरों की तरफ से किसी कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए, ऐसे उनके विचार थे। एक दूसरे की डिफिकल्टी को समझते थे, तो एक उनके ना रहने से ये उनकी विशेषता थी, उनके उनके चरित्र की, उनके कार्यशैली की। हमने एक बहुत ही शानदार सबको जोड़ने वाला लीडर खो दिया है, संभवतः वो कमी तो पूरी नहीं होगी। कोई ये समझे कि वो मात्र ट्रेड यूनियन लीडर थे, ऐसा नहीं, वो एक पॉलिटिकल लीडर, वो एक कम्युनिस्ट लीडर थे, वो लेफ्टिस्ट थे और वो कम्युनिस्ट मूवमेंट के यूनाइटेड मूवमेंट से पैदा हुए थे और इसलिए कम्युनिस्ट मूवमेंट में जो यूनाइटेड मूवमेंट के लीडर थे या वो जो भावना थी, वो भावना उनके अंदर अत्यंत बलवती थी और इस बात को वो हमेशा कहते थे, जिक्र करते थे। और मैं ये कहना चाहता हूं, कई बार कानपुर में कम से कम 5 बार इलेक्शंस वो लड़े, वो डिलिमिटेशन में सीट बदल गई पर उन 5 सीटों में, कानपुर की 5 पार्लियामेंट की सीटों में और या 8 सीटों में जो शहर के अंदर लगती है, अगर कहीं कोई इलेक्शन देखने योग्य था तो वो सीसा में विधानसभा का इलेक्शन देखने योग्य होता था। अलग बात है कि वहां जीत नहीं पाए, पर जिस मजबूती से, जिस धरातल को लेकर वो चुनाव लड़ते थे मजदूरों की, और जब उनकी फौज चलती थी वो देखने योग्य थी। क्यों? एक साधारण जीवन, उच्च विचार उनका एक संबल था। मैं समझता हूं कि हमको उनके इन विचारों को आगे बढ़ाना है, उनकी एक जयती का और एक जुटता का जो उनका कार्य करने की शैली थी, हमको उसको अपनाना है। जब 11 लोग होंगे
तो 11 विचार होंगे और सबको किस तरीके से बांध के एक साथ चला सके आज के युग में यह अत्यंत महत्वपूर्ण थी और इस कला में वो अत्यंत निपुण थे। आज मैं समझता हूं कि हमको उनके जितने भी ये सकारात्मक पहलू थे जीवन के, हम उनको लेंगे, आगे बढ़ाएंगे, उसको रुकने नहीं देंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी तरफ से और अपने संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तरफ से मैं कॉमरेड दौलत को अपने हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये कि उनकी याद हमारे दिलों में बराबर बनी रहे, इस कामना के साथ कॉमरेड दौलत को श्रद्धांजलि देता हूँ, लाल सलाम करता हूँ। हम समझते हैं कि एक दलित पृष्ठभूमि, दलित मूल से कम्युनिस्ट आंदोलन में इतने लंबे समय तक और कहिए तो पूरी जिंदगी का योगदान करना, मजदूर वर्ग के लिए योगदान करना, और आज जो एक माहौल है कि सादगी भी बाजार की एक वस्तु हो गई, सादगी भी प्रचार की एक वस्तु हो गई, उसको उस सादगी को बाजार में बिकने के लिए नहीं बल्कि सच मायने में हमारे जैसे नौजवानों के लिए अगर मैं कहूं तो एक आदर्श के रूप में अपने दिल में आत्मसात करने के रूप में कॉमरेड दौलत का जो योगदान है, जिस पृष्ठभूमि से आए, मैंने देखा दैनिक जागरण इंटरनेट पे जब उनकी मौत हुई तो अखबार ने लिखा कि एक ट्रेड यूनियन नेता की मौत हुई जिसके पास 10 रुपया जिसके खाते में था। पूरी जिंदगी मजदूर आंदोलन के लिए लगा देने के बावजूद अपने लिए मकान, अपने लिए बड़ा ओहदा, अपने लिए बड़ी विलासता की चीजें, यह सारी बातें दौलत के जीवन में कहीं दूर दूर तक नहीं थीं। और ऑफिस में रहना, मजदूर के लिए काम करना और समाज के लिए जिंदगी देना, यही आदर्श थे। और मैं समझता हूं कि ये आदर्श हम सबको मिलके पूरे करने हैं, आगे बढ़ाने हैं। 1 जनवरी को कॉमरेड दौलत का चला जाना केवल ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए ही नहीं, भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन और विशेषकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के लिए बहुत बड़ी क्षति लगी। 1963 में संयुक्त कम्युनिस्ट पार्टी में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की और 50 वर्ष तक वह पूरे समर्पण के भाव से कम्युनिस्ट आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहे। 1964 में CPM के संस्थापक सदस्यों में से इस प्रदेश में वह भी एक थे और उस समय से लेकर वह हमेशा पार्टी के अंदर विभिन्न पदों पर, चाहे वह कानपुर के जिला मंत्री का पद हो, पार्टी की राज्य कमेटी का पद हो, पार्टी की राज्य सचिव मंडल का पद हो, काम करते रहे। कॉमरेड दौलत की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह जनता के साथ, चाहे वह बिल्कुल निचले तबके का आदमी हो या ऊंचे तबके का आदमी हो, बहुत ही सहज रूप से जुड़ जाते थे। उनकी एक कला आती थी, आप 15 मिनट उनसे बात करेंगे तो और आपको लगेगा कि जैसे 15 वर्षों से आपकी उनके साथ मुलाकात है, दोस्ती है। यह वह विधा थी जो सीखना जानना हम कम्युनिस्टों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हम में से बिल्ले ही उस पर पारंगत हो पाते हैं। एक ऐसे समय में जबकि देश के अंदर साम्राज्यवाद की चुनौती बढ़ रही है, विदेशी पूंजी के हमले बढ़ रहे हैं, पहचान की राजनीति से उठा रही है, निहित स्वार्थों के द्वारा जनता को टुकड़ों में बांटा जा रहा है, सबको एक साथ लेकर चलने वाले इस कॉमरेड का चला जाना बड़ा ही दुखद है। और मैं अपने और अपनी पार्टी की तरफ से अपने इस साथी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कॉमरेड दौलत राम का जन्म 1 सितंबर
1946 को कानपुर के एक साधारण मजदूर परिवार में हुआ था। उनके पिता सूती मिल में मजदूर थे। कांवड़ दौलत राम बचपन से ही अपने पिताजी के साथ मजदूरों के धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेते रहे। उनका निधन 1 जनवरी 2014 को कानपुर में हुआ। वे अविवाहित थे। वे प्रदेश के प्रमुख ट्रेड यूनियन के नेता थे। कांवड़ दौलत राम ने अपना राजनीतिक जीवन नौजवानों को संगठित करने से की। वे उत्तर प्रदेश में भारत की जनवादी नौजवान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। कांवड़ दौलत राम छात्र जीवन से ही मजदूर आंदोलन के संपर्क में रहे। वे 4.5 दशक तक उत्तर प्रदेश में संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को विभिन्न रूपों में संगठित करने के कार्य किए। कपड़ा, जूट, इंजीनियरिंग और बिजली उद्योग के मजदूरों में एक संघर्षशील व्यक्ति के रूप में उनका नाम प्रचलित था। उन्होंने फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग के मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई जुझारू आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने मालिकों के गुंडे और पुलिस दमन का मुकाबला करते हुए मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व किया और उन्हें जीत दिलाई। प्रदेश के मजदूरों कर्मचारियों के संयुक्त संघर्षों को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका अग्रणी थी। कांवड़ दौलत राम ने वर्षों तक सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन को के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री के रूप में नेतृत्व प्रदान किया तथा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य 2011 तक रहे। वे कई यूनियनों के प्रदेश के पदाधिकारी भी थे। कांवड़ दौलत राम के असमिक निधन से प्रदेश के मजदूर आंदोलन को अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसकी भरपाई कठिन होगी। कांवड़ दौलत राम 1963 में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के गठन के बाद वे CPIM में शामिल हुए। वे CPIM की उत्तर प्रदेश राज कमेटी के सदस्य थे और मृत्यु पर्यंत इसी पद पर बने रहे। वे वर्षों तक पार्टी की उत्तर प्रदेश राज सचिव मंडल के भी सदस्य थे। वे पार्टी के पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे। ये सभा ससम्मान उनको याद करती है और श्रद्धांजलि अर्पित करती है।